हाँ जी, जो रावण के चित्र में ऊपर में गधा दिखाते हैं, वो क्यों दिखाते हैं? क्योंकि गधा बुद्धि है, मानवीय बुद्धि नहीं है। जानवरों में भी सबसे जास्ती सीधी सादी बुद्धि कौन सी जानवर की होती है? गधे की होती है। सारा दिन वजन ढोता है और रात को जानवरों की, भैंस और गाय की झूठी घास उसे डाल दी जाती है और चबड़ चबड़ सारी खा जाता है, सो जाता है। पन ऐसा दिखाया है चित्र में। हाँ, इसीलिए दिखाया है कि ज्ञान में चलने वालों में से कोई ऐसा भी है जो ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझता। मुख से ढैपू ढैपू तो बहुत करता है, लेकिन उन बोली हुई बातों का अर्थ ढैपू ढैपू के सिवाय कुछ भी नहीं बुद्धि में बैठता, तो उसको गधा कहा जाता है। बार बार रोज रोज ज्ञान स्नान कराओ। क्या था? 48 से लेकर के 68 तक, 69 तक रोज ज्ञान स्नान किया ना, फिर गधा क्या करता है? है? रोज देह अभिमानी की मिट्टी में लोट जाता है। ओ अरे बच्चे 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 समझा कि नहीं समझा? समझा। चलो, और ये गीत में भी दिखाते हैं कि जहाँ धन होता है वहाँ मन होता है, और यहाँ तन होगा वहाँ मन होगा, इसका अर्थ क्या है? जहाँ तन लगावेंगे, तन की ताकत लगावेंगे, तन की ताकत से पैदा हुए बच्चों को जिस काम में लगावेंगे, वहाँ लगाने वाले का मन भी जरूर जावेगा। ऐसे ही धन बल भारत में रहता हो, लेकिन जिंदगी भर का कमाया हुआ धन बिलायत में लगा दिया हो, तो मन कहाँ जावेगा? बिलायत में ही जावेगा। यहाँ तन होगा वहाँ मन होगा, यहाँ तन होगा वहाँ मन होगा। नहीं 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 नहीं, गीत में जो गीत में सुना है, यहाँ तन होगा वहाँ मन होगा, बिल्कुल, इसका अर्थ जरा स्पष्ट करो। अगर किसी लड़की में तन लगा हुआ है और सारी ताकत लड़की में ही जा रही है, तो मन कहाँ जाएगा? अरे कुमार हो क्या? अदर कुमार कुमार, तो मिसाल तो समझ में आ गया? हाँ समझ गया, अब तो बिल्कुल समझ में आ गया। द्वारिका द्वीप में समुद्र से 10 किलोमीटर के अंतर में एक मंदिर बना हुआ है, समुद्र के अंदर। हाँ, समुद्र के अंदर, और उसका नाम है बड़केश्वर महादेव। बड़केश्वर, तो बाबा इस यादगार चित्र या बड़ों बड़ों का ईश्वर बड़केश्वर। हाँ हाँ, बड़केश्वर माने बड़ों बड़ों का ईश्वर है। बड़के बड़के, अच्छा, तो समंदर के अंदर कौन कौन से बड़े बड़े महाद्वीप हैं? है दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, ये सब कहाँ हैं? और अरब देश के भी दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ, भूमध्य सागर भी ऊपर है,
समंदर है ना, तो जितने भी विधर्मी हैं, उनको जब ये ज्ञान सुनने में आ जाएगा कि ये ज्ञान है और ये भगवान है, तो वो भड़केंगे या नहीं भड़केंगे? वो समंदर के अंदर ही पैदा हुए हैं ना, इसलिए नाम रख दिया है भड़केश्वर। जो भी विधर्मी भड़कने वाले हैं, उनको शासन करने वाले ईश्वर हैं, बड़े बड़े धर्म पिता हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि, उनमें भी जो विदेशी विधर्मी हैं, वो सब समंदर में रहते हैं। आधार ज्ञान का रहने वाले हैं, ज्ञान जल का। रामकृष्ण धरणी का आधार लेने वाले हैं। बाबा, हनुमान जी अजर अमर अविनाशी है, ऐसा भक्ति मार्ग में कहते हैं, इसका मतलब क्या है? जो रामकृष्ण की आत्माएं हैं, वो हनुमान का अव्वल नंबर पार्ट बजाने वाली नहीं है, है या नहीं है? है। एक पूछड़ी वाला है, एक सूंड वाला है, तो जो पूछड़ी वाला है उसको खुले में भी उसकी मूर्ति बनाकर रख दी जाती है। किसकी? हनुमान की। गणेश की रखते हैं या नहीं रखते हैं? गणेश की मंदिर बनाकर मूर्ति रखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ है? उनको सर्दी गर्मी बरसात का कोई परवाह नहीं है, सतयुगी वातावरण हो या कलयुगी वातावरण हो, प्रकृति तमो प्रधान हो या सतो प्रधान हो, प्रकृति और रावण दोनों मिलकर के हनुमान को मार सकते हैं? अनिश्चय बुद्धि नहीं बना सकते। ये कहां की यादगार है? है? संगम की यादगार। बाकी शरीर से तो सभी मरते हैं, उस मरने की तो बात ही नहीं है। और बाबा, संगम युग में ये स्वर्ग में जैसा ये शरीर नहीं रहता है कि ये रहता है बाबा? संगम युग में फिर स्वर्ग में? संगम युग ही स्वर्ग में? स्वर्ग में जब आत्मा रहती पाठ बजाने, आत्मा भी रहती है, और आत्मा बिना शरीर के सुख कैसे भोगेगी? तो शरीर भी रहता है। शरीर रहते हुए भी उस देह में वृत्ति नहीं जाती है आत्मा की, लगाव नहीं जाता है, अटैचमेंट नहीं जाता है, क्योंकि देव आत्माएं आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करके गई है। ऐसे नहीं बात, देह नहीं होती है, देह तो होती है, परंतु देह का जो सतो प्रधान हिस्सा है, आंखें, मुख,
वो सात्विक प्यार भोगने के आदि हैं, जिससे सृष्टि की वृद्धि होती है। ऐसे नहीं वहां देह का सुख होता ही नहीं है, देह भी होती है, आत्मा भी होती है और देह का सुख भी होता है, परंतु उच्च कोटि का होता है और सदाकाल का होता है, परंतु अब व्यभिचारी होता है, व्यभिचारी सुख नहीं होता है। हाँ जी, अरे व्यक्त भाव उसे कहा जाता है जो आँखों से देखने वाली चीजें हैं, उनको याद करेंगे तो देह याद आवेगी कि आत्मा याद आवेगी, क्या याद आवेगा? देह और देह के पदार्थ और देह के संबंधी याद आवेंगे, परंतु ब्रह्मलोक, परमधाम, ब्रह्म महत्तत्व, ये पांच तत्वों से परे है, ये पांच तत्वों के अंदर है, परे है, वहां बुद्धि योग रखेंगे तो वहां तो कौन रहता है? अरे शांति धाम में रहता कौन है? है? आत्मा ही रहती है, प्रकृति के पांच तत्व तो वहां है नहीं, देह वहां है नहीं, देह के संबंधी है नहीं, देह के पदार्थ है नहीं, तो जहां बुद्धि योग रखेंगे वहां का संग का रंग आत्माओं का लगेगा या नहीं लगेगा? तो आत्म की स्थिति तो सहज ही बन जाएगी। और बाप के घर को याद करने से आत्म की स्थिति जब सहज बनती है तो आत्माओं के बाप परमात्मा की याद भी सहज हो जाती है। वो तो परम नाम है, सूरज चांद सितारों की दुनिया से परे, लेकिन अभी तो हम परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतारने वाले बच्चे बने हैं, तो वो परम धाम कहाँ है? माउंट आबू में। माउंट आबू अभी तो बता रहे पत्थर बुद्धि है, सारे पत्थरों के मकान है, वहां अभी संगठन बनाने का टाइम है नहीं, तो हमारा इस दुनिया में परम धाम कहाँ है? बाप जिस घर में रहते हैं वो शरीर रूपी घर ही हमारा परम धाम है, अथवा बाप के जो घर हैं मिनी मधुबन, वो भी हमारे घर हैं। मिनी मधुबनों में भी बुद्धि रहेगी तो भी अव्यक्त स्टेज बन जाएगी। और खास बाप के शरीर रूपी घर में बुद्धि रहेगी तो भी अव्यक्त स्टेज बनेगी। जैसा संग वैसा रंग लगेगा। और बाबा, हिराकाशी और हिमराज हिराकार और हिराकाशी और हिमराज भक्ति मंत्र से गुरु चिदाकाशी और दूसरा क्या बताया? हेमराज। हेमराज चित्त है जिसका आकाश में, उसका नाम रख दिया है चिदाकाशी।
अब आकाश की ओर किसका चित्त है? ये टाइटल किसका है? चिदाकाशी, जो सदैव आकाश में रहता है, ऊंची स्टेज में रहता है, वो कौन है? चिदाकाशी। भगवान का टाइटल अपने ऊपर रख लिया है। फिर हेमराज, हेम कहते हैं सोने को, जो सोने की दुनिया में राज करता है उसे कहते हैं हेमराज। सोने की दुनिया कौन सी है? कौन सा युग? सतयुग। सतयुग का ऊंचे से ऊंचा राजा कौन है? है कृष्ण वाली आत्मा, वो हो गई हेमराज। ये दोनों की जोड़ी है। भक्ति मार्ग में भी नाम धरे हैं, परंतु काम तो दिखाई नहीं देता। काम कहाँ दिखाई देता है? भक्ति मार्ग में या ज्ञान मार्ग में? ज्ञान मार्ग में नाम भी साबित होते हैं और उनका काम भी साबित होता है। और भक्ति करके आए तो हमें मस्जिद में जाना पड़ा, ऐसा क्यों? तो क्या खास बात हो गई? मस्जिद में जाके सेवा नहीं कर सकते? हमारा दिमाग उधर बराबर नहीं था, उधर गए तो फिर दिमाग बराबर नहीं था, फिर बाद में अच्छा हुआ, लेकिन यहाँ आते थे हम। हाँ, तो मस्जिद में हमको जाना पड़ा तो वहाँ बोलने लगे कि बाबा आपके हैं तो ये तुम्हारे ऊपर जो कुछ है तो उसको भगा देना चाहिए, ऐसा बोल दिए। हाँ, तो हमको मस्जिद में जाना पड़ा तो फिर बाद में अच्छे हो गए, तो फिर आने लगे। मस्जिद में जाने से अच्छे हो गए? हाँ, वहाँ मतलब जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे हम पागल जैसे हो गए। माना कोई भूत प्रवेश कर गया? हाँ। वहाँ के जो मौलवी वगैरह है उन्होंने तांत्रिक क्रिया से भूत भगा दिया। उन्होंने ये साबित करने के लिए भगा दिया कि तुम्हारी बुद्धि में बैठे कि हम ही भगवान हैं। तुम्हारी देखो तबीयत ठीक हो गई, तुम्हारा भगवान अगर उधर है तो फिर वो भूतों को क्यों नहीं भगाता? तुमको बताना चाहिए भूत प्रेत आत्माएं भी तो आत्माएं हैं। हमारे भगवान की तो बारात में भी भूत प्रेत जाते हैं, इसलिए वो भगाएंगे कैसे? हाँ, भूत प्रेतों को भी हमारा बाबा भगवान बनाने वाला है। हाँ, ब्रह्मा में जब शिव आते थे तो उस समय मुकुर रहते हैं ना शिव के, वो है ब्रह्मा जो है वो शिव के मुकुर रहते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा बाबा मुकर्र रहते हैं। हाँ, तो टेम्पररी रथ होने के कारण शिव तो सदा का रूम में प्रवेश नहीं करते थे। नहीं, तो बाबा ने कहा है परम धाम में एक बार मैं यहाँ सृष्टि पर आता हूँ तो कार्य करके संपन्न करके वापस चला जाऊंगा। तो यहाँ बाबा ने कहा है कि मुकुर जो परम धाम जो है मना ब्रह्मा के तन में टेम्पररी रथ शिव होते हुए भी वो सदा काल में प्रवेश नहीं थे, तो परम धाम में आना जाना करते हैं। मना जैसे कि बीके के हिसाब से बीके वाले यही कहते हैं ना कि ब्रह्मा उनके कहने पे क्यों जाना है हमको? हमको तो मुरली पकड़नी है। बाबा ने क्या बोला है मुरली में? मुरली में बाबा ने क्या बोला है उस संबंध में, वो बात पकड़नी है। एक होता है टेम्पररी और एक होता है मुकर्रर परमानेंट। तो परमानेंट रथ में आना जाना करना होता है या मुकर्रर रथ में आना जाना करना होता है? परमानेंट रथ में बाबा आना जाना करते हैं ना? परमानेंट में आना जाना करते हैं, टेम्पररी में आना जाना। हाँ, टेम्पररी में आना जाना करते हैं। तो मुकर्रर रथ जो है जरूर चैतन्य में कोई होगा ना उस समय भी? उस समय क्यों होगा? उस समय जहाँ कहीं भी होगा दुनिया में होगा। दुनिया में जहाँ कहीं होगा वो अज्ञानी होगा या ज्ञानी होगा? ज्ञान गर्भ में जब तक ना आए
तब तक बच्चा बनेगा क्या? बनेगा नहीं बनेगा, वो तो ज्ञान गर्भ में आने के बाद ही बाप का बच्चा बन सकता है। और टेम्पररी कहाँ है ना बाबा, कहाँ है शिव में प्रवेश नहीं होते, नहीं होते। हाँ जी, तो फिर उस समय शिव के कहाँ रहते थे? परम धाम में। परम धाम मैंने जड़ परम धाम जाना आना करते थे, कोई बात नहीं। अपना काम किया, मुरली चलाई, गए, रह करके भी क्या करेंगे? तो ब्रह्मा बाबा अपना डायरेक्शन देंगे या शिव बाबा का डायरेक्शन होगा? है ब्रह्मा के डायरेक्शन में और टीचर के रूप में जो डायरेक्शन होता है उसमें क्या अंतर है? है ब्रह्मा बाबा के सामने बच्चे जाते थे, बाबा बहुत दुख है, सारा घर टपकता है, ईंटें गिरती हैं, मकान गिरने का डर है, दीवार गिरने वाली है, पिछे पिछे हो रही है घर में, नहीं रहा जाता बच्चों से। अच्छा बच्चे नया मकान बना लो, एक कमरे में गीता पाठशाला खोल देना। तो बाबा ने अपनी मनमत दे दी या श्रीमत दे दी? ये टेम्परेरी ने दिया या परमानेंट ने दिया? ये अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही शादी के बारे में कितने गंधर्वी विवाह करा दिए, फिर उन गंधर्वी विवाह कराने वालों का, करने वालों का क्या हाल हुआ? बाप को पहचाना क्या? है नहीं पहचाना। तो टेम्परेरी रथ में और मुकर्रर रथ में अंतर हो जाता है। बाबा जब भक्ति मार्ग में रक्षाबंधन बांधते हैं तो रक्षाबंधन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? ब्रह्मा कुमारियों से पूछा? भक्ति मार्ग वालों के पास बाद में जाना, उनसे पूछा तुम ये क्यों बांधने जाती हो? नहीं पूछा? घर की बात है, घर की बात है। हम कहा कह रहे कि ब्राह्मणों के घर की बात नहीं है, है वो भी ब्राह्मण तो है ना। भले सूर्यवंशी ब्राह्मण नहीं है, है नीची कुरियों के ब्राह्मण तो है ना उधर, तो उनसे पूछा तो होता। यहाँ कोई बांधता है क्या? किसी को देखा है? तो क्यों पूछ रहे इधर? वो लोग बांधते हैं तो उनसे पूछो तो सही। ये धागे वाली राखी बांधने से कोई पवित्र बन जाता है क्या? भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर बांधते आए, कोई पवित्र बना क्या? तो कौन सी राखी बांधनी चाहिए? है भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि पुराने जमाने में ब्राह्मण राखी बांधने जाता था घर घर में, और अभी तो है, अभी तो कन्याएं अपने भाइयों को पैसा लेने के लिए जाती हैं, तो कुछ न कुछ टके मिल जाएंगे, बाकी पवित्र तो कोई बनता नहीं। तो जो ब्राह्मण जाते थे वो याद दिलाई कि यज्ञ के याद में जिस मुकर्रर रथ में बाप ने प्रवेश किया उस समय जो आत्माएं निकली वो आत्माएं अभी तक यज्ञ में काम दे रही है, क्योंकि उन्होंने असली पवित्रता का रखड़ी बंधन बांधा।
ये यादगार है भक्ति मार्ग में। बाबा एक मिनट, लेकिन वो आत्मा बुद्धि में ज्यादा तीखे विदेशी होते हैं या स्वदेशी होते हैं? विदेशी आत्मा है, इसलिए बुद्धि योग से उसने वो चित्र बनाया बाबा के महावाक्यों के अनुसार। ऐसे थोड़े ही कि उसने महावाक्य सुना ही नहीं है, या 84 जन्मों में उसे जाना जरूरी है? मुरलियां तो सुनी हुई है ना, तो मुरलियों के सुने सुनाए आधार पर और बुद्धियों के आधार पर वो 84 सीढ़ियों का चित्र बनाई दिया। सन्यासी जब आते हैं तो राजा लोग अपने राज्य को त्याग करके सन्यासी के पीछे जंगल चले गए, तो यहाँ शूटिंग पीरियड में कैसा ये होता है? संगम तक बीज रूप आत्मा में पूछ रहे हो या आधार मूर्त आत्मा में पूछ रहे हो? बीज रूप आत्मा में गंगा निकली है जो सन्यासियों की बीज है। जब गंगा निकलेगी तो वो शूटिंग भी होगी। ये सन्यासी निकले ही हैं अंत में। अंत में जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। आधार के लिए अगर सोचेगी आधार के लिए सोचेंगे, आधार के लिए भी गंगे दादी बाद में निकली थी या पहले पहले निकल आई थी? जब गंगे दादी निकली थी तो उनके पीछे पीछे ढेर के ढेर परिवार के परिवार सरेंडर हो गए। ऐसे भी हो सकता है ना बाबा, सन्यासी जो अभी विजय माला के मन के जो है वो जब आएंगे तो जो रुद्रम आएंगे यहाँ एडवांस में, पहले रुद्रमाला के मणकों में बीज रूप आत्माएं सन्यास धर्म की निकलेंगी या आधार मूर्त वालों में से पहले निकल पड़ेंगे? पहले तो रुद्रमाला के मणके निकलेंगे ना। रुद्रमाला पहले बनती है या विजयमाला पहले बनती है? रुद्रमाला पहले बनती है। ये बात उन्हीं के लिए लागू होती है, गंगा के लिए बात लागू। गंगा बीज रूप में भी है तो गंगा आधार मूर्त में भी है। बीज रूप वाली गंगा में आधार मूर्त वाली गंगा प्रवेश जरूर करती है, तो वो तो शरीर छोड़ गई। कानपुर की गंगे दादी इंचार्ज कानपुर जोन की, अभी बीज रूप गंगा रह गई, तो जब टाइम आएगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगी। राजा लोग जो है सन्यासी के पीछे जंगल में जाने के इसका क्या है? जंगल में जाने वाला माना वैरागी हो जाना, वैराग आ जाना। ये दुनिया भी सुख है, ये काग विष्ठा समान सुख है, इनको स्वर्ग ये सुख नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं भारत वर्ष में विधवाओं की गायन पूजा नहीं होती है, तो बाबा के बच्चों में भी विधवाएं हैं, वो लोग देवी देवता बनने की पुरुषार्थ करते हैं, तो उनको फल क्या मिलेगा? ब्रह्मा कुमारियां विधवा की कोट में है या सदवा की कोट में है? जो विधवा की कोट में है वो सूर्यवंशी बनेंगे देवताएं 16 कला संपूर्ण या कम कलाओं वाले बनेंगे? और कम कलाओं वाले बनेंगे तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे? कन्वर्ट होने वालों की पूजा होगी?
दूसरे सात नारायणों की पूजा होती है जो कम कलाओं वाले हैं, उनकी पूजा नहीं होती तो उनके फॉलोअर्स की पूजा कैसे होगी? वो सब विधवाएं हैं, सदवाओं की तो पूजा भारत में होती है, भारत का ही उनको जाता है जो ज्ञान की रोशनी में रत लगे रहते हैं। वो धन बटोरने में लगे हुए हैं या ज्ञान की रोशनी में रहने वाले लक्ष्मी नारायण समान है? और दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गई है, आगे की बात है क्या? हाँ, टूट गई है माला तो लक्ष्मी नारायण दोनों बिछड़ेंगे नहीं, या बिछड़ेंगे कि नहीं बिछड़ेंगे? है, माला टूट गई तो सारे मोती बिखर गए। थोड़े दिन रहे साथ में फिर बिछड़ गए। और बोलो बोलो, राम जब जाते हैं लंका में तो देवताओं जय घोष नहीं करते हैं, विजय के लिए जय घोष नहीं करते हैं। हाँ, क्या है? युद्ध के लिए गए हैं, विजय जब हो जाती है तब जय जयकार होती है, या युद्ध की स्टेज में जय जयकार होती है? तुम ब्राह्मण बच्चों की जब विजय हो जाएगी, बाप की प्रत्यक्षता होना ही हमारी विजय है, तो विजय होने के बाद जय जयकार होती है या पुरुषार्थ की स्टेज में जय जयकार होती है? अभी हमारी माया से लड़ाई चल रही है कि विजय प्राप्त कर लिए? लड़ाई चल रही है तो देवताएं जय जयकार क्यों करेंगे? बोला जाता है कि देवताएं स्वार्थी थे, इसके लिए रावण के डर से उन्होंने जयकार नहीं लगाया। देवताएं हैं कौन वो तो पहले पकड़ लो। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी आत्माएं देव आत्माएं हैं? है ब्रह्मा सरस्वती और उनके फॉलोअर्स पक्के, वो देव आत्माएं हैं, उन्हें संगमयुगी स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? हैं? स्वर्ग के सुख चाहिए। तो संगमयुग में जो विनाश देखेंगे वो पावरफुल आत्माएं हैं, या जो विनाश देखने से ही डर जाती है, साक्षात्कार करने से ही डर जाती है, वो पावरफुल आत्माएं हैं? वो तो है ही डरपोक। तो कहां की बात है? संगम युग की बात है। संगम युग में ऐसा कायर इंद्र दिखाया जाता है, देवताओं का मुखिया। और धर्म का आधार मूल्क में प्रवेश करते हैं, जो धर्म स्थापन करते हैं द्वापर युग से, हाँ, वो आत्मा प्रवेश करती है। लेकिन जब गीता का भगवान कृष्ण भी ये जो समझाने के लिए बोलते हैं कि प्रवेश करना, प्रवेश करने वाले आत्मा अलग होती है, तो जैसा बौद्ध जो धर्म स्थापन किया गौतम बुद्ध ने, तो पहले उनका नाम सिद्धार्थ था, बाद में गौतम बुद्ध हुआ ना, उसी तरह से उनकी प्रवेश तो होती है, लेकिन वो प्रवेश तो मानते नहीं हो। उन्हें मालूम ही नहीं है, उन्हें ज्ञान ही नहीं है, उनकी बात छोड़ दो। ब्राह्मणों को ज्ञान था? नहीं था। तो जब हमको ही ज्ञान नहीं था तो दूसरे धर्म वालों को कहां से ज्ञान हो जाएगा? ये तो बाबा ने आकर के हमको बताया कि जो भी 33 करोड़ देव आत्माएं हैं,
वो सब देव आत्माएं देवता स्वभाव संस्कार की हैं। संग का रंग लगने से नीचे गिर जाती हैं। नीचे गिरती है तो कमजोर आत्माओं में पावरफुल आत्माएं प्रवेश कर लेती हैं। अभी भी ऐसे ही है। ब्रह्मा की सोल पावरफुल है तो राम वाली आत्मा में प्रवेश कर लेती है। जब राम वाली आत्मा पावरफुल बन जावेगी तो बैल पर सवारी करेगी या बैल उस पर सवारी करेगा? बैल पर सवारी करेगी। और बाबा जो गीता शास्त्र का जो इंस्पिरेशन हुआ द्वापर युग से, मतलब जो शास्त्र का जो अलग अलग प्रति से बताया, मतलब टीकाएं हुए अलग अलग, लेकिन श्लोक तो वही है ना? क्या अलग अलग जो टीकाएं हुई? हाँ, लेकिन श्लोक तो वही होगा। श्लोक और उनके शब्दों के अर्थ तो अलग अलग कर दिए। मैंने अपने उन्होंने अपने अपने तरीके से किया होगा, लेकिन किसी एक का तो होगा ना शब्दों को? हाँ, शब्दों को स्कृति एक होगा। अच्छा, जिसने गीता बनाई वो तो कोई एक होगा कि नहीं? पहले पहले है? अरे गीता किसी ने पहले पहले बनाई या नहीं बनाई? जिसने गीता बनाई उसको ये ज्ञान था किस बात का? कि गीता का भगवान कौन है, था या नहीं था? हैं? था ज्ञान। फिर बाद में परवर्ती आए, चेले चपाटे, वो गद्दी पे बैठे व्यास गद्दी पर, तो वो अपनी मनमत मिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो मनमत उन्होंने मिक्स कर दी। बाद में गीता का भगवान कृष्ण हो गया। ज्यादातर दुनिया के लोग जो हैं वो साकार में चिपकने वाली बुद्धि है उनकी या निराकार में चिपकने वाली है? साकार में सबकी बुद्धि चिपक जाती है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के भी जो फॉलोअर्स हैं उनकी भी बुद्धि इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट में चिपक जाती है या निराकार में रहती है? साकार में चिपक जाती है। ऐसे ही जो देवताओं से हिंदू बने उनमें भी साकार में बुद्धि चिपकने वालों की संख्या ज्यादा है। सूर्यवंशी बच्चे तो बहुत थोड़े हैं जो निराकारी स्टेज वाले हैं। कहां 500-700 करोड़ और कहां 4.5 लाख? कितना परसेंटेज हुआ? 0.1। तो ना के बराबर कहेंगे। और बाबा, हाँ जी, सुप्रीम सोल में शूटिंग शूटिंग पीरियड, हाँ, जो ये होती है बदलता नहीं, हाँ, तो फिर शिव और शंकर निराकार साकार में आते हैं, तो मेरा ड्रामा में साकार भी रहते होंगे? हाँ, मेरा ड्रामा में साकार भी रहते होंगे? ब्रा ड्रामा में साकार रहते होंगे? साकार, वो साकार में ब्रा ड्रामा में निराकार कैसे रहेंगे? उनका तो पार्टी है सिर्फ एक बार आने का। उनकी आत्मा में सिर्फ एक जन्म में इस सृष्टि पर आने का पार्ट है। हाँ, बांधा हुआ हूँ, इसीलिए बांधा हुआ हूँ, मुझे एक बार तो आना ही पड़ेगा। अगर उससे भी छूट जाए तो कहेंगे ड्रामा के बंधन में नहीं बांधा हुआ हूँ। ड्रामा भी चैतन्य है ना बाबा? हाँ, ड्रामा चैतन्य नहीं है, ड्रामा तो जड़ है। समय के ड्यूरेशन को ड्रामा कहा जाता है। ड्रामा के बंधन में आना।
हाँ, ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ड्रामा शिव नहीं बनाता है, हर एक आत्मा अपना अपना ड्रामा खुद बनाती है या भगवान बनाता है सबका ड्रामा है? हर आत्मा अपना ड्रामा खुद बनाती है, लेकिन ड्रामाबाज जितने भी हैं 500-700 करोड़, उन 500-700 करोड़ ड्रामाबाजों में कोई सबसे पावरफुल है या नहीं है, वो कौन है? अरे उस ब्राह्मण का नाम बताया मुरली में कि नहीं? व्यास। ये व्यास बड़ा ड्रामाबाज है। इस ड्रामा के बंधन में मैं भी बंधा हुआ हूँ। वही बाबा चैतन्य में है ना, यही कह रहे हैं। तो व्यास जब हम कहेंगे तो शिव के मुकाबले जड़तुमयी बुद्धि वाला है या चैतन्य बुद्धि है? इसलिए जड़ है। जड़ की बनाई हुई चीज कैसी होगी? जड़ ही होगी। शिव बाबा तो चैतन्य है, 100% चैतन्य है या 125%? 100% चैतन्य है तो उसकी रचना भी कैसी होगी? तो वो तो ड्रामा नहीं बनाता। और ड्रामाबाजी करना अच्छी बात है या खराब बात है? हाँ, बाबा व्यास ने शास्त्र सभी को हमको शास्त्रों के बारे में जानकारी भी मिली है। शास्त्रों की जानकारी लेना जरूरी है बाबा, शास्त्रों की जानकारी लेना जरूरी नहीं है, लेकिन शास्त्रों से टैली करके बाबा के ज्ञान को सच्चा साबित करना जरूरी है। जब और धर्म के फॉलोअर्स हैं और धर्माधीश हैं, वो गीता की टीका अपने अनुसार कर सकते हैं, अपने धर्म मत मतांतर के अनुसार कर सकते हैं और अपने मत मतांतर को गीता के अनुसार सच्चा साबित कर सकते हैं, तो क्या जो सच्चा ईश्वरीय ज्ञान है वो गीता के अनुसार ज्ञान को, ईश्वरीय ज्ञान को सच्चा साबित नहीं कर सकता? कर सकता है। पांच तो जो इस सृष्टि का जो झाड़ है वृक्ष, उसमें जो सारे जो 500 करोड़ सब पत्ते हैं, उसमें जो बीज है वो तो आज गुप्त है, प्रत्यक्ष में तो नहीं है। आज में नहीं, आज की बात कर रहे हैं। बीज तो हमेशा वृक्ष के अंदर गुप्त ही रहता है, जब अंत में जाकर के फल निकलते हैं तब ही तो बीज फल से अपने को डिटैच करता है पहले पहले। इसलिए जो भी फसल बोई जाती है या पेड़ बोए जाते हैं, उन पेड़ों और फसलों का जो पहला बीज है वो ही बोना अच्छा समझते हैं। कोई भी पेड़ का, चाहे पपीता हो, चाहे आम हो, चाहे कोई भी पेड़ हो, उसका पहला जो फल आएगा पकने के बाद, उसका जो बीज अपने को डिटैच करेगा पेड़ से, उस पहले बीज की जनरेशन अच्छी मानी जाती है। ये बात मनुष्यों ने कहां से उठाई है? संघमयुग से बाप आते हैं तो वो भी उसी आत्मा को पहले उठाते हैं, जो संसार वृक्ष से पहले पहले अपने को डिटैच कर लेती है। और बाबा गणपति और कार्तिक दोनों भाई था, गणपति और कार्तिक दोनों भाई था, तो गणेश और कार्तिक दोनों भाई थे, तो गणेश का मुंह देखने से विद्या होती है। कार्तिक पूनम के दिन
करते हैं, बाद में देखते तो श्री विद्वाह जैसा कार्तिकेय को एक ही बार देखते हैं साल में। कार्तिकेय को साल में एक ही बार देखने में आता है। हाँ, बाद में देखेंगे तो कहते भक्ति माध्यम के श्री विद्वा हो जाते हैं, उनका मुँह देखेंगे कार्तिक। ठीक है, संगम युग में जो तिक तिक करने वाले हैं वो बाद में प्रत्यक्ष होंगे, दूसरे धर्म पिताएं जो ज्ञान की तिक तिक ज्यादा करते हैं लेकिन उनमें ईश्वरीय ज्ञान है नहीं, वो संगम युग के अंत में प्रत्यक्ष होंगे या सारा संगम युग प्रत्यक्ष होते हैं, यही राज है कि जब ज्ञान चंद्रमा कार्तिक महीने में संपूर्ण बनेगा, वर्ष का अंतिम महीना कौन सा है? है? अरे हिंदी में माघ मास, तो अंतिम महीने से एक महीना पहले कौन सा महीना है? कार्तिक मास, माने षष्ठी पूरी खत्म होने वाली नहीं है लेकिन पूरी षष्ठी खत्म होने से पहले ही धर्म पिताएं प्रत्यक्ष होंगे, या जब षष्ठी बिल्कुल 5-7 रोज में खत्म होने वाली होगी तब प्रत्यक्ष होंगे, पहले ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तो अंत में वो एक ही बार प्रत्यक्ष होंगे, तभी उनका मुखड़ा देखने, उनमें मुख्य है कार्तिकेय। कार्तिकेय जो है वो शंकर का बड़ा बच्चा है या छोटा बच्चा है? बड़ा बच्चा का मतलब जो भी 6 मुख हैं, 6 विधर्मियों के बीच में, उनमें सबसे बड़ा मुख है कार्तिकेय। जैसे 5 विकारों में बड़ा विकार कौन सा है? काम विकार ही मुख्य है, वो ही रुलाने वाला रावण है। ऐसे ही ज्ञान की तिक तिक करने वाला इस्लाम धर्म है, सबसे जास्ती तिक तिक जिसने की है। का नाम पड़ा है कार्तिकेय, एक मुख की बात नहीं करेगा। कितने मुख हैं? 6 मुख हैं, सभी में चक्कर काटता है। उसकी माताएं ही 6 हैं, 6 माताओं से पालना लेने वाला है। अभी भी शूटिंग पीरियड में एडवांस में बार बार भट्टी करने जाता है और बार बार हार और मठ पंथों में कन्वर्ट होकर के झान मंजीरे बजाना शुरू कर देता है। वो भक्ति मार्ग का पक्का फाउंडर है या कच्चा फाउंडर है? पक्का फाउंडर है। विदेशियों का हेड है या स्वदेशियों का हेड है? विदेशियों का हेड है, विधर्मियों का हेड है कार्तिकेय। और दक्षिण भारत भारत का विदेश है या स्वदेश है? विदेश है, तो वो अपना अड्डा कहाँ जमाता है जाकर? है दक्षिण भारत में जाकर के धर्म प्रचार के लिए अपना अड्डा जमाता है। विदेशी ही उसको ज्यादा मान्यता देते हैं, जो भारतवासी देवताएं हैं वो गणेश को मुखिया मानते हैं। देवताओं का मुखिया कौन मनाया गया? बनाया गया गणेश।
और असुरों का मुखिया कौन हुआ है? विदेशियों का मुखिया हुआ कार्तिकेय। वैसे शुक्राचार्य गुरु भी माना जाता है। और कोई आदमी बहुत मेहनत करता है तो ज्यादा मेहनत करेगा तो कुछ कमजोरी आएगी या नहीं आएगी? आती है। हो सकता है कि अति में जाए तो निडाल होकर के गिर जाए, परंतु भले गिर जाए लेकिन जैसे ही आंख खुले फिर अपने कर्म में लग जाए तो कहेंगे धरत परिय पर धर्म न छोड़िए। ऐसे ही यहां बेहद में है। भले हम गिर जाए, कमजोरी भी आ जाए, देखने में आए कि हमारा पतन हुआ, फिर भी सुबह का भूला अगर शाम को रास्ते पर आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहा जाता, उसको धर्म में कन्वर्ट होने वाला नहीं कहेंगे। जैसे साइकिल पर चढ़ने वाला बार बार गिरता है और धड़ाक से बार बार उठ के खड़ा हो जाता है, ऐसे ही हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम। और बाबा जैसी आत्मा को याद करेंगे वैसे ही गुण संस्कार आएंगे क्या? हाँ? जैसी आत्मा को याद करेंगे वैसे ही संस्कार आएंगे। गुण भी आते हैं क्या? उस आत्मा के जैसे गुण होंगे वैसे ही आएंगे। राक्षसी आत्मा को याद करेंगे, चोर डकैतों की आत्मा के संग देंगे याद करेंगे तो चोरी डकैती राक्षसी के संग आएंगे। आज की मुरली में बोला कि ब्रह्मा की आयु पूरी हो तो रिजल्ट निकलेगी। है? ब्रह्मा की आयु पूरी हो तो रिजल्ट निकलेगी। हाँ? अभी तो हम सब पुरुषार्थी हैं। ठीक बात है, तो आपको संशय कहाँ आया? तो ब्रह्मा की आयु पूरी हो गई है। कब हो गई? कब हो गई ब्रह्मा की आयु पूरी? है? 76 में ब्रह्मा, कौन से ब्रह्मा की आयु पूरी हो गई? अरे ब्रह्मा एक का नाम है या अनेकों के नाम है? हैं? तो उनमें से कौन से ब्रह्मा की आयु पूरी हुई 76 में? हैं? प्रजापिता ब्रह्मा की आयु पूरी हुई तो रिजल्ट नहीं निकला। विश्व का महाराजन कौन बनेगा ये रिजल्ट निकला या नहीं निकला? निकला। ऐसे ही जो चार पांच ब्रह्मा है उनमें से आखिरी ब्रह्मा जब प्रत्यक्ष हो तो पूरी ही रिजल्ट निकल जाएगी। जब सब राजाएं प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो राजाओं के प्रत्यक्ष होने के साथ साथ उनकी प्रजा भी प्रत्यक्ष हो जाएगी, पूरी राजधानी दिखाई पड़ेगी। तो ब्रह्मा प्रत्यक्ष होता है तो ब्रह्मा के साथ साथ रिजल्ट भी निकलती है।
अब जो ब्रह्मा प्रत्यक्ष हो रिजल्ट जरूर निकलेगी। निश्चय के आधार पर राजधानी स्थापन होती है। निश्चय के आधार पर राजधानी स्थापन होती है। निश्चय के आधार पर राजधानी स्थापन हो जाएगी। हाँ अभी निश्चय नहीं है। अभी निश्चय कम है क्या किसी का? तो राजधानी स्थापन नहीं होगी। जब निश्चय होगा तब राजधानी स्थापन होना शुरू होगी। जिनको अभी निश्चय हो रहा है, निश्चय बुद्धि विजेते की लिस्ट में जावेंगे। देह अभिमान पर पहली पहली विजय है। जब देह अभिमान के ऊपर विजय प्राप्त होना शुरू होती है तो राजधानी भी स्थापन होना शुरू हो जाती है। पहले पहले राजधानी का फाउंडेशन पड़ता है या राजधानी की आखिरी स्टेज दिखाई पड़ती है? है पहले फाउंडेशन पड़ेगा। फाउंडेशन पड़ेगा तो उस फाउंडेशन में वही आत्माएं पहुंचेंगी जो निश्चय बुद्धि होंगी। निश्चय बुद्धि होंगी तो देह अभिमान पर नंबर बार विजय प्राप्त करने वाली होंगी, और देह अभिमान पर विजय प्राप्त करने वाली होंगी तो देह के संबंधियों से भी मोह नष्ट होगा, देह के पदार्थों से भी मोह नष्ट हो जाएगा। ये नहीं हम खिचड़ी नहीं खाएंगे या सारा जिंदगी खिचड़ी खा के कैसे जिएंगे? हाँ जोर से बोलो ना। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा तो और उत्तम है, तो बाबा ने कहा है कि बाबा अंत में बैल के ऊपर सवारी करेंगे तो कैसे करेंगे? बैल के ऊपर सवारी कैसे की जाती है? छलांग लगा के की जाती है। हाई जंप लगाएंगे तो सवारी करेंगे, और साधारण पुरुषार्थ करेंगे तो कैसे सवारी करेंगे? बैल तो ऊंचा होता है और आदमी तो नीचा होता है। एक पुरुषार्थ होता है लेटे लेटे याद कर रहे हैं, उससे ऊंचा पुरुषार्थ होता है बैठ के याद कर रहे हैं, उससे ऊंचा पुरुषार्थ आज मुरली में बताया चलते फिरते याद करो, लेकिन उससे भी बड़ा पुरुषार्थ है दौड़ते दौड़ते पुरुषार्थ की दौड़ लगाओ, उससे भी ऊंचा पुरुषार्थ है नहीं उड़ो, उड़ती कला का पुरुषार्थ, और उड़ती कला के पुरुषार्थ से भी ज्यादा ऊंचा है हाई जंप लगाने का पुरुषार्थ। तो वो लास्ट पुरुषार्थ है। तो जानवरियत के संस्कारों के ऊपर आखिरी विजय पाएंगे या नहीं पाएंगे? जानवर गधे को दिखाया जाता है, जानवर मनरूपी घोड़े को दिखाया जाता है, जानवर बैल को दिखाया जाता है। शिव के मंदिरों में बैल दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? है? तो उसे कंट्रोल करेंगे या नहीं करेंगे कि नाली कोई सूंघता रहेगा? है? करेंगे। जब उसको कंट्रोल कर लेंगे, नाथ डाल देंगे, तो हम जहां चाहेंगे वहां ले जाएंगे। बाबा है कृष्ण का तो गायन बहुत है। कृष्ण का गायन बहुत है।
उन्होंने कम सर्विस की होगी तो उतना गायन नहीं है। कार्तिकेय ने ज्यादा सर्विस की है या कृष्ण ने ज्यादा सर्विस की है? कृष्ण कौन है? गणेश है या कार्तिकेय? गणेश वाली आत्मा ही कृष्ण है। ज्यादा सेवादारी कौन है? पृथ्वी की परिक्रमा जल्दी किसने लगा ली? सारा खेल बुद्धि का है। तो जो ज्यादा सेवादारी है वो ही प्राप्ति करता है।